सफदरजंग से ओवरनाइट जर्नी के बाद जैसलमेर ट्रेन पहुंच चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन जैसलमेर स्टेशन पर खड़ी है, और जैसलमेर रेलवे स्टेशन से ही आपको सीधा सीधा जैसलमेर का किला दिखता है। यहां देखिए किस तरीके से ये भव्य किला सामने दिख रहा है, और यहां पर ट्रेन पहुंच चुकी है। और जैसलमेर के किले को सोनार किला कहा जाता है, क्योंकि यह किला दूर से अपने पत्थरों के रंग की वजह से सोने की तरह दमकता है। और ये जैसलमेर का किला थार रेगिस्तान का हिस्सा है। यह किला जिस पहाड़ी पर बना है उसको त्रिकूट पर्वत कहते हैं। जैसलमेर के किले को वर्ष 1178 में भाटी वंश के राजा रावल जैसल ने बनवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टूरिस्ट यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और ये खूबसूरत सा स्टेशन है, सुंदर सा साफ सुथरा स्टेशन, जहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो पहुँच चुके हैं और इस स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। और ये स्टेशन भी हम कह सकते हैं कि सुनहरे पत्थरों का ही बना हुआ है। एक खास तरीके का रंग है जो आपको पूरे जैसलमेर में नज़र आएगा, और वो रंग यहाँ पर जैसलमेर का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी नज़र आ रहा है। अब सारे टूरिस्ट आगे निकल रहे हैं, और इस स्टेशन का हम कह सकते हैं कि जो दूर से नज़ारा है, दूर से दृश्य है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर सामान रखा जा रहा है, और ये सामान पोर्टर लेकर जा रहे हैं बसों में, और ये टूरिस्ट बसें लग चुकी हैं। तमाम टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, और जैसलमेर में कदम रखते ही आपको पहली चीज़ ये है कि यहाँ की जो भव्यता है वो दूर दूर तक नज़र आने लगी। एक खास रंग से पुती हुई इमारतें दिखेंगी, और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो शहर को भी आप सुनहरा शहर कह सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर हर तरफ आपको एक ही रंग नज़र आएगा। और यहाँ पर सामान रखा जा रहा है, सामान रखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये सारी बसें सीधा सीधा जैसलमेर के किले की तरफ रवाना होंगे। जैसलमेर के किले की तरफ रवाना होने की पीछे जो वजह है, वजह ये है कि जब जैसलमेर आप जाएंगे तो जैसलमेर का हीरा है जैसलमेर का, और ये खूबसूरत किला जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 1178 यानी वर्ष 1178 में भाटी वंश के राजा रावल जैसल ने बनवाया था। यह किला तब से भाटी राजवंश के राज परिवार की जीती जागती निशानी है। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। ये अक्षय पोल है, यहीं से जैसलमेर के किले में एंट्री होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सुनहरा किला या सोनार किला अपने आप में जबरदस्त है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इस पर अधिकार है, और ये अलग स्थापत्य कला के लिए फेमस है। जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं अगर उनके हिसाब से चलें तो भाटी राजवंश मूलतः जैसलमेर से उत्तर पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर दूर तनोट के रहने वाले थे, यानी उनका तनोट पर शासन चलता था। वर्ष 630 में पहले भाटी शासक केहर ने तनोट में किला बनवाया। तनोट अब पाकिस्तान के पंजाब में सियालकोट इलाके में पड़ता है। अखय पोल से हम एंट्री कर चुके हैं, और जैसलमेर किले में जाने के लिए उत्तर पूर्व दिशा से चार द्वार हैं। पहला द्वार है अखय पोल, फिर गणेश पोल, फिर सूरज पोल। ये सूरज पोल से होकर हम निकल रहे हैं, और उसके बाद जो द्वार पड़ेगा उसको हवा पोल कहते हैं। अब इतिहास पर आते हैं तो 623 वर्ष 623 में पहले भाटी शासक केहर ने तनोट में किला बनवाया। तनोट अब पाकिस्तान के पंजाब में सियालकोट इलाके में पड़ता है। भाटी वंश के देवराज ने लोदरा राजपूत राजा निप्रभु को हराकर लोदरवा में अपनी राजधानी बनवाई और महारावल की उपाधि धारण की। लोदरवा पर महमूद गजनी ने वर्ष 1025 में और मोहम्मद गोरी ने वर्ष 1178 में आक्रमण किया। वहां से होकर उसकी सेनाएं गुजरी, जिससे लोदरवा को काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद महारावल जैसल ने जैसलमेर में एक नया किला बनाने की शुरुआत की। वर्ष 1177 में जैसलमेर के किले के द्वार और कुछ हिस्से बनाए गए।
ये किला तब से बना हुआ है। उसके बाद रावल सालिवाहन द्वितीय ने वर्ष 1244 में जैसलमेर किले के पूरे निर्माण को अंतिम रूप दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसलमेर किले पर राज करने वाले राजा हमेशा से ही कला और संस्कृति के संरक्षक रहे और उन्होंने इस इलाके में कई खूबसूरत और महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण कराया। भव्य महलों, हवेलियों और द्वारों का समय समय पर निर्माण कराया जाता रहा। इन सभी निर्माण में बेहतरीन स्थापत्य कला देखने को मिलती है। जैसलमेर का किला 11.28 हेक्टेयर के इलाके में फैला हुआ है। इस किले की अधिकतम ऊंचाई 50 मीटर है और यह आमतौर पर 10 से 25 मीटर की ऊंचाई वाले इलाके में बना हुआ है। इस किले को बनाने में बाहर की तरफ से दो दीवारें बनाई गई। बाहरी दीवार को इसलिए बनाया गया कि इससे पहाड़ी के प्राकृतिक बिखराव को रोका जा सके। मुख्य किले में दो दीवारें हैं जो एक दूसरे के समानांतर हैं। इन दोनों दीवारों के बीच में 2 मीटर से लेकर 6 मीटर का खाली हिस्सा है जिसको मोरी कहा जाता है। किले को बनाने में इस हिस्से को खास तौर पर बनाया गया है क्योंकि मोरी का इस्तेमाल करके राजा की सेनाएं किले की सुरक्षा को बनाए रखती थीं। जैसलमेर किले की दीवारों को सुनहरे रंग के पत्थरों से बनाया गया है। इसमें किसी सीमेंट या मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसलमेर किले में 81 बुर्ज हैं। इन सभी बुर्ज की ऊंचाई 10 मीटर है। जैसलमेर किले में 5 महल हैं जिनको रंग महल, सर्वोत्तम विलास, गज महल, गज विलास, जनाना महल और मोती महल कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फोर्ट पैलेस है उसके लिए संग्रहालय और विरासत केंद्र बनाया गया है। गिरधर स्मारक धर्मार्थ ट्रस्ट यहाँ पर काम करता है और यहाँ पर तमाम चीज़ें अभी भी सुरक्षित रखी गई। हवा पोल के ऊपर ये पूरा रंग महल मौजूद है। इस महल को महारावल पूर्व राज द्वितीय ने 1762 के बाद बनवाया था। इसमें जबरदस्त तरीके से साज सज्जा की गई है। जैसलमेर के किले में इस तरीके के दृश्य हैं और यहाँ पर जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो खास तरीके का सैंडस्टोन है। इसमें सीमेंट या मिट्टी का इस्तेमाल नहीं है। ये आपस में इतने करीने से जोड़े गए हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर पहुँचने वाले तमाम सैलानी आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि अभी भी जो यहाँ पर ट्रस्ट काम कर रहा है वो इसका रखरखाव करता है। और ये हिस्सा आप देख सकते हैं इस तरीके से रखा गया है और यहाँ जब आप अंदर आएंगे तो तरह तरह की कहानियां यहाँ पर छुपी हैं। और भाटी वंश के राजा अपने को भगवान कृष्ण से जोड़कर देखते हैं, यानी ये वंशावली कही जाती है भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। और आज भी इस वंश के राजा मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके का महल है, सुनहरा महल, सोनार किला। देखिए सोनार किला, ये है जैसलमेर का किला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की कार्विंग है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो खम्भे हैं ये काफ़ी पुराने हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो कार्विंग है सैंडस्टोन में है। एक और ख़ास चीज़ है इन पत्थरों की कि यहाँ पर पत्थरों के ऊपर ही पत्थर रख कर ये पूरा का पूरा फोर्ट बनाया गया है। और एक और खास बात है, खास बात यह है कि इस फोर्ट के अंदर जो है पब्लिक भी रहती है और इस पर हम कह सकते हैं एसआई के अंडर में है, लेकिन ये पूरी तरीके से एसआई के पास नहीं है। तो यहाँ पर जो इस इलाके में जो लोग आते हैं उनसे जो फीस ली जाती है वो राज परिवार को जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि यहाँ जो है घुड़साल हुआ करती थी। यहाँ मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर नीचे घुड़साल हुआ करती थी, उसका पूरा इंतज़ाम है और यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। तो जैसलमेर की जब हम बात करते हैं तो पश्चिम की दिशा में भारत का ये हम कह सकते हैं आखिरी गढ़ है। और दूसरी एक और चीज़ है, जैसलमेर की जब बात की जाती है तो आसपास जो है थार रेगिस्तान का हिस्सा है ये। जब ये किला बनाया गया था तब से लेकर हम कह सकते हैं 44 पीढ़ी गुजर चुकी हैं, 44 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं और इसकी आन बान शान की अगर हम बात करेंगे तो उसी तरीके से मेंटेन है। और एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट पहुँच रहे हैं और उनकी क्यूरोसिटी आप देखिए कि किस तरीके से वो इसको जानना चाहते हैं। क्योंकि भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो जैसलमेर का एक बड़ा
अहम रोल है। और एक और बड़ी चीज़ है कि अगर हम इन सब जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये हमारी हिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा है, तो निश्चित तौर पर आप जैसलमेर आइए और जैसलमेर के किले को ज़रूर देखिए। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन जैसलमेर।